मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप का। तो कुछ देर पहले श्रवण भैया ने एक सवाल मुझसे किया, एक चीज़ पूछी, संगीत से ही रिलेटेड इनका एक क्वेश्चन आया कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, तो इसमें उर्दू शब्दों का इतना क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर ये संगीत हमारा भारतीय शास्त्रीय है तो इसमें उर्दू, जो कि ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका डाउट आया कि हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा हिंदी है, है ना, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कम है और क्यों उर्दू का ज़्यादा है? तो मैंने कैसे शुरू किया और कैसे ये टॉपिक भाषा पे आता है, भाषा से संगीत पे आता है और इसका क्या रिलेशन है, वो आज मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत में संगीत हमारी संस्कृति का पार्ट है, कल्चर का, हमारे कल्चर का पार्ट है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब जैसे जैसे हम दुनिया से जुड़ेंगे, वैसे वैसे हमारी संस्कृति भी बदलेगी, भले ही वो हमारा रहन सहन हो, खान पान हो, हमारी भाषा हो, हमारी सोच हो, है ना, पहनाव हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, जैसे जैसे बाहर क्या हो रहा है मालूम चलेगा, तो परिवर्तन आएगा। और यही हो रहा है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे जैसे जैसे बदली, कैसे कैसे बदली, जैसे जैसे हम पहले हमारे संस्कृति में कोई नहीं और था, फिर मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, इन लोगों ने क्या किया, परिवर्तन किया हमारी संस्कृति में, और संस्कृति के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, खाना पीना, पहनाव, संगीत, कला, ये सारी चीज़ें, तो ये बदलती हैं। तो पहला पॉइंट यहीं से आता है कि पहले हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायकी हुआ करती थी, जो कि हमारे शास्त्रीय संगीत का पार्ट है, ठीक है? इनका सवाल कि हमारे संगीत में उर्दू शब्दों का प्रयोग क्यों है, तो प्रयोग क्यों है, क्योंकि हमारी ख्याल गायकी आती है अब यहाँ, और वो कौन लाता है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो मुग़लों के साथ आए। तो ये सारी, ये इतिहास भी जानना ज़रूरी है कि हमारे, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं उसी संस्कृति का तो पार्ट है संगीत, है ना, और आज कैसा हो गया है वो भी जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके संगीत पर असर आएगा कि किस प्रकार का संगीत आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं। आप आज बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाह रहे हैं तो बॉलीवुड में किस प्रकार का संगीत चल रहा है और उसके शब्द कैसे कैसे बदल रहे हैं, कैसे कैसे संगीत की स्थिति बदली है बॉलीवुड में, है ना, या जो आम कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, कमर्शियल सिनेमा के बारे में भी आपको इसीलिए मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे सिनेमा बदल रहा है, उस अकॉर्डिंग म्यूज़िक बदल रहा है। म्यूज़िक बदल रहा है तो आपको अप्रोच आपकी वही है ना, क्योंकि फिलहाल, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, आपको और इस विषय की गहराई नहीं पता, आपको इसकी सतह दिख रही है जो सिर्फ बॉलीवुड है, है ना, ये ऊपरी ऊपरी हिस्सा है इसका कि वहाँ हमें जाना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे जब मुग़ल आए, अमीर खुसरो आए, अमीर खुसरो ने हमारा संगीत देखा और अपना संगीत जो वो साथ में लाए थे, अपनी कला जो वो साथ में लाए थे, वो मिलाई, फ्यूजन किया और ख्याल गायकी बनाई। ख्याल, जैसा कि ये शब्द ही उर्दू का है, लफ्ज़ उर्दू का है, इसका मतलब होता है विचार, थॉट। तो ये उन्होंने निर्माण किया। हमारी जो ध्रुपद गायकी है वो इतनी उपज पर निर्भर नहीं करती है, आप इस चीज़ को देखिएगा, उपज यानी क्रिएटिविटी, यानी पैदा करना, वेरिएट करना, ये गायकी ख्याल में होती है, ध्रुपद में नहीं होती है, ठीक है? तो ये एक तरह का अपना सिंगिंग स्टाइल है जो वो साथ में लाए। कव्वाली भी कई लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बनाई, है ना, गज़लों का चलन हमारे हिंदुस्तान में अगर आया तो उनकी वजह से आया है। तो वो एक संगीतकार थे, शास्त्रकार थे, लिरिसिस्ट हैं वो, उन्होंने कई चीज़ें, तबले का उन्होंने निर्माण किया, पखावज हमारे यहाँ का वाद्य यंत्र है, उसे काट कर उन्होंने तबले का निर्माण किया। सितार कहते हैं कई लोग, उन्होंने ही बनाया है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक एक इंसान अपना कल्चर लेके आया साथ में, और जब वो कल्चर हमारे साथ मिला तो हमारे कल्चर में कुछ परिवर्तन आए। इस तरह से हमारे संगीत में ख्याल गायकी आई और भाषा भी जो है धीरे धीरे हमारी उर्दू की तरफ तब्दील होने लगी। हिंदी भी अभी आई नहीं है, संस्कृत हमारी भाषा थी जो पहले थी ध्रुपद गायकी के समय। अब ध्रुपद गायकी की अगर मैं बात करूं तो ख्याल गायकी में आप देख रहे हैं जैसे कि उर्दू के शब्द तो हैं, है ना, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी पोएट्री है जो वो उसमें हम गाते हैं। कोई सा भी ख्याल आप गाओ, किसी भी राग का, उसमें एक पोएट्री है, उसमें एक कहानी है, कविता है जो आप गा रहे हैं। ध्रुपद में ऐसा नहीं होता है। ध्रुपद गायकी जो हमारी संस्कृति की है उसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, जैसे कि अध्यात्म, जैसे कि योग। योग हमारी संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का है, जिसमें कि शारीरिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें योग में आती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारे व्यायाम हैं, हमारे प्राणायाम हैं, ये सारी जो और कुछ कुछ विधियाँ हैं, है ना,
कि कई सारी ऐसी विधियाँ होती हैं, जैसे आज आप जब वो आलाप हम लोग लेते हैं शास्त्रीय गायन में, तो आप देखते हैं आकार तो होता ही है, साथ में कुछ कुछ शब्द होते हैं, दे रे ना न या लली, ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं, तो हम वंडर करते हैं कि ये कौन से शब्द हैं जो ये आलाप में ले रहे हैं। आलाप मतलब तो आ करके होना चाहिए ना। जैसे अगर मैं गाता हूँ रे ना ना रे ना रे ना री, तो ये सारे जो अक्षर मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तो आप वंडर करेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या अजीबो गरीब चीज़ गा रहे हैं, आकार क्यों नहीं गा रहे हैं उसकी जगह। तो ये एक्चुअली में एक मंत्र है जिसको हम लोग गाते हैं और उसी को स्लो में गाते हैं। मंत्र है ओम श्री अनंत हरि नारायण, ये मंत्र है, ये एक लाइन है जिसको हम लोग गाते हैं आराम आराम से। कैसे जा रहा है? इसी मंत्र को गाया मैंने अभी, है ना। अब मालूम चला कि ये हम लोग क्या गाते हैं। तो ये कहां से आया? ये द्रुपद से आया है। ये द्रुपद में हमारी संस्कृति का पार्ट है जहां से हमने लिया है। अब द्रुपद की चीजें जब आप गाओगे, जब मालूम चलेगा, तब उसमें आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि वहां उपज का काम कम है, वहां गायकी प्रधान है, वहां शब्द प्रधान नहीं है। क्यों? गायकी यानी रागदारी प्रधान है, कि राग का जो चलन है वो उसको प्रेजेंट करते हैं, शब्दों में उलझ के नहीं रह जाते हैं, है ना। वहां आप जब सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि शब्द क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गमक का इतना प्रयोग है, गले में सुर का सटीकपन उसका बहुत प्रयोग है। ये ख्याल गायकी में नहीं है, ये द्रुपद में। तो मैं आपको संस्कृति बता रहा हूं कैसे हमारी और उनकी अलग अलग है और वो मिक्स हो गई है, इस वजह से उर्दू का इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये तो इनके सवाल का जवाब रहा, ठीक है, जो मैंने दे दिया था। उसके बाद आते हैं हम संस्कृति और भाषा को लेकर। मेरे दिमाग में एक चीज चली कि आम जन का एक कन्फ्यूजन रहता है, आम इंसान भाषा को संस्कृति से जोड़ता है, आम इंसान भाषा को हमारे कल्चर से जोड़ता है कि लैंग्वेज इज आर कल्चर, हिंदी हमारा कल्चर है, संस्कृति हमारा कल्चर है। लेकिन अगर आप ये देखें कि उस भाषा के निर्माण का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन था, वार्तालाप, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा और कुछ नहीं। संस्कृति तो है हमारी, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने इन्हें कहा कि हमें हमारी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उससे संकुचित नहीं होना चाहिए। संकुचित यानी लिमिट हो जाना। हमने ये तय कर लिया कि हम तो हिंदी भाषी हैं तो हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। संस्कृति का संरक्षण करो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी मत बोलो, मैं ये कह रहा हूँ भाषाएं और भी सीखो। और भाषाएं सीखने से क्या होगा? दूसरों के विचार आपको मालूम चलेंगे। आज अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हम संकुचित हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के बाहर ऐसे बहुत महान विद्वान हैं जिन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बातें कही हैं, बहुत गहन चिंतन करके बहुत गहरी बातें कही हैं, उनका हम लुत्फ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती है। उर्दू शायरी में, पोएट्री में बहुत अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स रहे हैं, फलसफा जिनका बहुत विचार, जिनके विचारधारा, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी रही हैं, उन्हें हम नहीं पढ़ सकते, उन्हें समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती है, उनके शब्दों से हम वाकिफ नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो कभी भी अपनी संस्कृति से अपने आप को संकुचित मत करो, उसको संरक्षित रखो हमेशा, है ना, उसमें बनाए रखो। जैसे कि मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा जितनी अच्छी तरह से मैं हिंदी बोल सकता हूँ उतनी अच्छी तरह से मैं उर्दू बोल रहा हूँ, और उतनी ही अच्छी तरह से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। मेरी भाषा में एक तरफ झुकाव आपको नहीं नजर आएगा। आप मुझसे बोलिए, मैं आपको रेगुलर बात आपको हिंदी में करूंगा, शुद्ध हिंदी में मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूँ सारे हिंदी के शब्द हैं। संरक्षण बोलूँ, संकुचित बोलूँ, ये अगर मुझे हिंदी नहीं आती उतनी ढंग से तो मैं कैसे बोलता। और यही मैं आपसे उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, और इसी चीज़ को मैं आपको अंग्रेजी में भी समझा सकता हूँ, है ना। एक मेरी खासा आदत है, आप हो अगर ऑब्जर्व करें कभी, कि मैं जब भी किसी को समझा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो मैं एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम्स बोलता हूँ। सिनोनिम्स मतलब उसके पर्यायवाची, है ना, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, किसी से वार्तालाप का क्या मतलब है, आपके विचार उसके विचार मिलें शब्दों के माध्यम से। अगर आपको वो शब्द नहीं आता है तो आप नहीं समझोगे मैंने क्या बोला।
इसी लिए हमें भाषा समझनी चाहिए। तो भाषा को न धर्म से, न प्रांत से, न किसी भी संस्कृति से जोड़ा जाए। भाषा सिर्फ वार्तालाप का एक माध्यम है, उसको समझो, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखो। तो ये हुआ। अब एक और मैंने इनको यही बात चल रही थी कि संस्कृति को कैसे संरक्षित करना चाहिए और उससे संकुचित कैसे नहीं होना चाहिए, उससे लिमिट क्यों नहीं करना है अपने आप को। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था घराने का। बहुत सारे घराने हमारे शास्त्रीय संगीत में हैं, है ना। लखनऊ घराना है, पंजाब घराना है, दिल्ली घराना है, अजराड़ा घराना है, जयपुर घराना है, बहुत सारे घराने हैं, है ना, आगरा घराना है। इनका अपना अपना संगीत है। ऐसा नहीं है कि इनका अपना अपना संगीत है, इनका अपना अपना ढंग है संगीत को करने का। संगीत तो वही है, वही 1200 आपके भी हैं तो आज चाइना में चले जाओ तब भी वही 1200 रहेंगे। जापान में चले जाओ, आप विदेश में चले जाओ, उनके भी वही सुर हैं। वो उनको अपने ढंग से गाते बजाते हैं, पर संगीत वही है, संगीत के सुर वही हैं, है ना, शुद्ध कोमल तीव्र वही हैं, तालें वही हैं, मीटर वही है, सब वही है, है ना। बस वो उनके करने का एक ढंग है। भाई मैं भी आपसे अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा मैं क्षमा चाहता हूँ। उर्दू में कोई बोलेगा मैं माफ़ी चाहूँगा, इंग्लिश में कोई बोलेगा आई एम सॉरी। भाव तो सब जगह सेम है ना, समझ रहे हो आप, है ना। मीडियम अलग हो रहा, उनका कहने का करने का तरीका अलग हो रहा। तो यही चीज़ संगीत में भी, अगर मैं कोई चीज़ गाना चाहता हूँ, मेरा एक विचार है जैसे मैं संगीत के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी भाषा में अपने संगीत में प्रेजेंट करूँगा, वो लोग अपने में करते हैं, ठीक है। तो घराने में भी बात यही होती है। घरानाबंदी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन एक चीज़ है जो लोगों को संकुचित करती है, वो ये है कि घराना मतलब अपनी संस्कृति, ये हमारा स्टाइल है, हमारे दादा परदादा इस प्रकार का संगीत करते आए हैं। उस चीज़ को संरक्षित रखो, वो भी करो, लेकिन संकुचित मत हो जाओ। ये ना कह दो कि नहीं मैं तो अजराड़े का हूँ, मैं दिल्ली का बाज नहीं जानता, मैं दिल्ली का बाज नहीं बजाऊंगा। बाज मतलब उनका स्टाइल ऑफ प्लेइंग, है ना, कि मैं पटियाला की गायकी करता हूँ, मैं ग्वालियर की गायकी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा नहीं आना चाहिए, या वो ख़राब है या मैं सही हूँ, ये नहीं आना चाहिए। सबका अपना अपना कल्चर होता है भाई, है ना। हम ये नहीं कहते कि वेस्टर्न कल्चर बेकार है, कि वो लोग कैसे रहने सहने का उनको ढंग नहीं है, अक्ल नहीं है, सलीका नहीं है, शऊर नहीं है रहने का उन्हें, है ना। कैसा तो उनका लव कल्चर कैसा है, है ना, किस तरह से उनको उनको रिलेशनशिप्स की समझ नहीं है, उनमें जज्बात नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे, किसी और के कल्चर पर छीटा कसी नहीं करना है, समझ रहे हैं। अपना कल्चर आप समझिए, उसको संरक्षित रखिए, उसे बचा के रखिए, उसको भी सीखिए और डीपली सीखिए। ऐसा नहीं कि ऊपरी सतह से सिर्फ जो अभी चल रहा है वो सीखिए। अभी जो चल रहा है वो हमारा कल्चर है ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो मिक्स्ड है, वो फ्यूजन है। ये हमारा कल्चर नहीं है जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, है ना। ये हमारा कल्चर नहीं है जो खाना मैं खा रहा हूँ, मिक्स्ड है। तो कब तक बचाओगे, है ना। ज़ाकिर हुसैन साहब का एक इंटरव्यू है गूगल, यू नो, ऑफिस में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला ये कि उनसे सवाल किया जाता है कि आजकल म्यूज़िक में फ्यूजन बड़ा हो रहा है, है ना, तो उस फ्यूजन से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का संगीत हम करें। तो उनका बड़ा सटीक जवाब था कि फ्यूजन कब नहीं हुआ है, संगीत जब से चल रहा है तब से फ्यूजन हो रहा है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, आमिर खुसरो साहब आए, उन्होंने शास्त्रीय गायकी में ख्याल गायकी को मिलाया, तो हमारे संगीत में फ्यूजन तो तब से होता आ रहा है। अगर आप ये बोल दो कि नहीं हम तो फ्यूजन नहीं करेंगे, हमारा जो संगीत है हम उसी को अटल रहेंगे उस पर, तो चलो ध्रुपद गायकी पे फिर क्यों गा रहे हो ख्याल, क्यों गा रहे हो गज़लें, क्यों गा रहे हो गाने, ये तो हमारी परंपरा ही नहीं थी। तो क्या परंपरा रही है, क्या संस्कृति रही है, इसका एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हमेशा वो बदलती रही है। जैसे जैसे लोग मिले, जैसे जैसे चीज़ें बनी, बदलती हैं, है ना। भाषाओं को लेके मैं खुद भी बड़ा इस चीज़ को लेके यूं हूं कि मुझे साफ उच्चारण चाहिए, कि उच्चारण आप ठीक करें, जबकि उच्चारण तो बदलते रहते हैं, है ना। आज अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी खुद भी अपने आप में इकलौती एक भाषा नहीं है। आज जो हम भाषा बोलते हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं, उस भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसमें उर्दू और हिंदी मिली हुई है। उर्दू में काफ़ी सारे शब्द फारसी के हैं, दूसरी और पर्शियंस के हैं, अरबिक के हैं। तो कोई ऐसी एक भाषा नहीं है जिसे आप कह दो कि यार ये तो मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ हिंदी बोलूँगा, या उर्दू बोल रहा हूँ तो सिर्फ, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ वाली है ही नहीं कोई भाषा सिवाय संस्कृत के। वो इकलौती ऐसी भाषा है जो पूर्ण भाषा है, जिसमें और किसी का मिलान नहीं है, इसीलिए उसे सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है, है ना। तो ये सारी कल्चर की चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि कैसे हमें संकुचित नहीं होना है, संरक्षण करना है उसका, है ना। अब भले वो घराना बंधी हो या हमारी गायकी हो, ख्याल गायकी में कैसे उर्दू का चलन है, तो इसीलिए वो चीज़ें भी हमें जाननी ज़रूरी हैं, तभी हमारे विचार जो हैं वो खुलेंगे और हम अच्छी गायकी जो है कर पाएंगे, अच्छा संगीत जो है वो हम गा बजा सकेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इनका सवाल था तो अच्छी बात है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, मैं यही तो एक्सपेक्ट करता हूँ, उस दिन में मैं यही कह रहा था कि मंथन करो,
मत हो। अपने दिमाग में चीजें चलाते रहो तो कुछ नई बात निकलेगी। ऐसी बातें जानने से कुछ फायदा है? ये सवाल हैं, शंकाएं नहीं हैं। मन में शंका मत पैदा करो, ये जो फजूल सवाल है ना, कब तक आएगा संगीत, कब तक हो जाएगा, कहां तक जाना है, कि 4 साल में हमें कहीं पहुंचना है, ये शंकाएं हैं, ये टारगेट्स जो आप बना रहे हैं, दीज आर गुड अगर ये एक पॉजिटिव वे में है। इस जर्नी के दौरान आपको जो सवाल सोचने हैं वो इस प्रकार के सवाल हैं कि जिनसे एक्चुअली में आप कुछ गेन करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ये कन्फ्यूजन्स हैं जो दूर होंगी, है ना, कि यार इस प्रकार की हम चीज़ गा रहे हैं तो क्यों गा रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, है ना। और किसी भी चीज़ को कभी डिनाई नहीं करना तुरंत के तुरंत। डिनाई मतलब उसको धुतकार देना, नकार देना कि नहीं ये गलत है, अनलेस कि आपने उसका संशोधन किया है, एनालिसिस किया है। उसको करो एनालिसिस, एनालिटिक नज़र से देखो। ये कह देना कि संगीत को समय बाध्यता क्यों है, रागों के समय होते हैं, क्यों है भाई, भैरव को सवेरे ही क्यों गाएं हम तो दोपहर में गाएंगे, दरबारी को आधी रात में क्यों गाएं, हम तो सवेरे गाएंगे। ये नकारना हुआ, है ना, ये तो डायरेक्ट नकारना हुआ। आप उसका संशोधन कीजिए ना, उस पर सवाल कीजिए। सवाल उठाना और नकार देने में फर्क होता है ना। सवाल कीजिए, उसका डाउट क्लियर होगा आपको कि भैरव को सवेरे क्यों गाया जाता है, उसके कई कारण हैं, उस पर आप रिसर्च कीजिए, है ना, जानिए, पूछिए, लोगों से पूछिए, गुरुओं से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि भैरव को, ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया इसीलिए भैरव सवेरे गा रही है। अंधविश्वास तो करने को कोई नहीं कह रहा आपको, है ना, हर चीज़ का अपना सवाल है। मॉर्निंग वोकल रियाज कह दिया सवेरे करना है, क्यों करना है सवेरे भाई, है ना, सवेरे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो करके देखो। पहली चीज़ तो यह है कि करके देखो, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके कई और भी कारण हैं जो आप लोगों को खैर पता ही है। तो एक छोटी सी चीज़ है, आप सवाल जो भी सोचो, मंथन जो भी करो, अच्छी अच्छी बातों का करो, तो बहुत कुछ गेन होगा आपको, ठीक है।